आगरा पुलिस ने फर्जी डकैती का किया खुलासा। आरोपियों ने षड्यंत्र के तहत डकैती की घटना को दिया था अंजाम। पुलिस ने महज 24 घंटे में डकैती का किया पर्दाफाश। गुजरात से बनारस के लिए जा रहा था ट्रक। फाइनेंस का पैसा और माल के रूपों को हड़पना चाहते थे आरोपी। पुलिस ने 2 ट्रक, 3 मोबाइल की एक बरामद, अनार से भरा ट्रक, लगभग 75 लाख रुपए का सामान पुलिस ने किया बरामद। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं। थाना खंदौली पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल। वारदात का पुलिस टीम ने खुलासा किया था, कितने लोग पकड़े गए और किस तरीके से पूरा मामला इन लोगों ने रखा था? कल दिनांक 23 दिसंबर 2022 को प्रातः 8:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति थाना क्षेत्र खंदौली में इनके हाथ पैर बांध कर कुछ लोगों के द्वारा इनके साथ डकैती की घटना की गई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जो 2 व्यक्ति थे इनसे पूछताछ की। इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि दिनांक 22 दिसंबर 2022 की रात्रि 8:30 बजे के आसपास इनके साथ एक डकैती की घटना घटी है, जिसमें 6 लोग बोलेरो से आए थे। उनकी बोलेरो पे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था, सफ़ेद रंग की बोलेरो थी, और चेकिंग के नाम पर इनको इनके ट्रक से उतारा। ट्रक में लगभग 12 टन के आसपास अनार लदा हुआ था। चेकिंग के नाम पर इनको उतारा और फिर इनको अपने बोलेरो गाड़ी में डाल लिया। इनके द्वारा बताया गया कुछ इनको सुंघा दिया, जिसके बाद ये लोग अनकॉन्शियस हो गए। उसके बाद ही इन लोग जब होश में आए तो इन लोगों ने खुद को बधा पाया और थाना क्षेत्र खंदौली में लोग पड़े थे। आसपास जो राहगीर जा रहे थे इनसे इन्होंने मदद मांगी। इन राहगीरों ने इनकी मदद करके इनका हाथ पैर खोला। तत्काल इस सूचना पे हमने टीम गठित कर दी। CO एतमादपुर, थाना प्रभारी खंदौली, थाना प्रभारी सिकंदरा, हमारी SOG की टीम, हमारी सर्विलांस की टीम, सभी टीमें इस पे एक्टिवेट हो गई और इसके CCTV कैमरा चेक करना और CDR का एनालिसिस करना हमने स्टार्ट कर दिया। जिस तरीके से इन लोगों ने घटना बताई थी और जिस तरीके से CCTV में घटनाएं जो सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं उसमें भिन्नता थी, तो घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। जब हमने इनसे गहनता से इनसे वेरीफाई किया तो इन्होंने फिर बताया कि ये पूरी जो घटना है, इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत ये पूरी घटना पुलिस को बताई। और हमने जब इसमें और गहनता से इनसे पूछा कि मोटिव क्या था, तो मोटिव फिर इन्होंने बताया कि जो पूरी घटना इन लोगों ने जो पुलिस को झूठी घटना बताई, उसका मोटिव ये था कि जो इनका जो ट्रक है जिसकी कीमत ये बता रहे हैं कि लगभग 25-26 लाख की कीमत है, अभी नया ट्रक ही इन लोगों ने इसी साल खरीदा है, फाइनेंस पे लिया है इसको, और इसकी महीने की किस्त लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये जा रही थी। तो इनका जो प्राइम मोटिव था कि जो फाइनेंस की गाड़ी है इसका किस्त ना जमा करना पड़े, एक झूठी सूचना डकैती की लिखवा कर और इससे छुटकारा पा जाए। दूसरा, जो इसमें अनार लदा हुआ था उसकी कीमत लगभग 13 से 14 लाख बताई जा रही है, जो इनके ओनर हैं